स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में होली और शबे बारात त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक। झारखंड के धनबाद में होली और शबे ए बारात के त्यौहार को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें होली त्यौहार और शबे बारात को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर रविवार को निरसा थाना परिसर में निरसा प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार राय की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें वीडियो ने सभी सदस्यों को बताया कि होली और शबे ए बारात त्यौहार के डीजे पर सख्त मनाही है। निरसा थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर दिलीप यादव ने कहा कि होली त्यौहार और को लेकर निरसा पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी हमेशा राउंडिंग करती रहेगी। होड़दंगियों पर निरसा पुलिस की विशेष ध्यान रहेगा, साथ ही साथ चौक चौराहे पर भी पुलिस की तैनाती रहेगी। उन्होंने बताया कि समाज में होली त्यौहार और शबे बारात भाईचारे का त्यौहार है, उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया करके जेल भी भेज दिया जाएगा। इस आयोजित बैठक में निरसा इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी दिलीप यादव, निरसा अंचलाधिकारी नितिन शिवम गुप्ता, राजद महासचिव तारा पदो, जिला परिषद सदस्य दुर्गा दास, मध्य पंचायत के मुखिया सज्जाद अंसारी के साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। धनबाद से पप्पू केवट की रिपोर्ट। होली के अवसर पर आज निरसा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हमारे निरसा के BDO साहब, निरसा अंचल के CO साहब, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि इस बार जो होली पर्व है वो हर साल की भांति शांतिपूर्वक मनाया जाएगा, और इसके लिए हम लोगों को पूरी तैयारी कर लिए हैं। सभी जो चिन्हित किया गया है कि किन स्थानों पर लोग ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करते हैं, उन स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतियुक्ति की जाएगी। सर्वप्रथम तो अभी जो हम चैनल के माध्यम से सभी को होली का और शबे बारात का बहुत बहुत तहे दिल से हम बधाई दे रहे हैं कि जब अभी महिला का बात आई है, जब तो महिला हमेशा वो एक हमेशा अहम भूमिका निभाती है। अभी जब बैठक भी हुआ तो महिला का मुद्दा आया, तो हम लोग चाहेंगे कि सारे महिला हम जागरूक करने का भी ज़रूरत है, और हम भाइयों को भी, हमारे जो युवा भाई हैं, युवा प्रतिनिधि भी हैं, वो भी अपने, अभी 8 तारीख को हमारा महिला दिवस है, हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और महिलाओं को जब प्रतिनिधि जीत कर भी आती है, तो जब जीत कर आती है तो हम कैसे उसको जब हम आगे बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ जब हम आने का कहीं मौका नहीं देंगे, चाहे वो ब्लॉक हो, थाना परिसर हो, चाहे कोई भी मुद्दा पे, हम महिलाओं को, हम सारे भाइयों से आग्रह करेंगे कि महिलाओं को अपना आगे बढ़ाने का काम करें। निरसा थाना परिसर में शांति समिति का बैठक हुई। सबसे खुशी की बात है जो हमारे फागुआ होली और शबे बारात, ये दोनों त्यौहार जैसे अच्छे से समाज में समाज के संतुलन बरकरार रखते हुए, ये मैं आपको दोनों त्यौहार खुशी से मनाए। हमारे सभी सम्मानित नागरिकों से अपील है कि ये त्यौहार हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, जो भी सिख ईसाई, सभी समाज में है, हमारे एक समाज के हम लोग हैं, और एक ही समाज में चाहे किसी का धर्म का हो, उसके सम्मान के साथ, आदर के साथ एक साथ मनाएं, और भारत के संस्कृति, सभ्यता और मानवता को बरकरार रखें। नमस्कार, धन्यवाद।